हुबली तशद्दुद मामले में वसीम पठान का बयान आया है। वसीम पठान को फरार बताया जा रहा था, जबकि वसीम पठान ने अपना बयान जारी करके कहा है कि वो इस पूरे मामले में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस की गुजारिश पर उन्होंने पुलिस की वैन पर चढ़कर जो है लोगों को समझाया कि यहाँ पर जो है कंप्लेंट हो चुकी है, एफ आई आर हो चुकी है, तमाम लोग अपने अपने घर चले जाएं। इस पर वसीम रजवी ने आज वीडियो जारी करके अपनी सफाई में अपना एक बयान जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है। आप सुनिए इस पूरे वीडियो को, किस तरह से मीडिया ट्रायल कर रहा है, मीडिया की तरफ से वसीम पठान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि वसीम पठान ने कहा कि उन्होंने पुलिस की मदद करने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं वसीम पठान क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं वसीम पठान बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हुबली शहर में एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है, मैं उसका खुलासा देने के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ कि एक शख्स ने जो गुंबद-ए-खज़रा की तस्वीर से बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो इसके लिए शहर हुबली के नौजवानों में नाराजगी थी, दिल को ठेस पहुंची थी, तो इसलिए उस पर कंप्लेंट करने के लिए पहले से काफी नौजवान वहां पर जमा हुए थे। तो जो बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए फिर मुझे बुलाया गया ताकि मैं इस मसले के हल के लिए लोगों से बात करूं। तो फिर मैं वहां पर आया तो पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी साथ दिया, और जब ये तादाद बढ़ती गई तो पुलिस वालों ने ही जो है ये कहा कि आप गाड़ी पर खड़े होकर जो है उन लोगों को समझाएं और उन लोगों को समझाएं ताकि वो लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। तो गाड़ी पर चढ़ने की वजह ये थी कि वहां पर माइक नहीं था, तो इसके लिए वहां पर खड़े होकर जो है समझाने के लिए गाड़ी पर खड़े होकर कोशिश की गई, लेकिन पूरे जो वीडियो में या कहीं पर भी मेरा ऐसा कोई बयान पथराव का या पत्थर मारने के हवाले से या लोगों को भड़काने के हवाले से कोई भी मेरा बयान वहां पर नहीं हुआ। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से मेरे हवाले से माहौल बनाया जा रहा है कि मैं ही उसका मास्टरमाइंड हूं, ये सरासर गलत है। ऐसा कोई ना इरादा था ना कोई ख्याल था, ये मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। आप देखें उस वीडियो में कि अचानक वहां पर लाइट बंद हो जाती है और चंद नकाब पोश लोग आते हैं जो पथराव करते हैं। तो इसके लिए मैं भी वहां पर था जब पथराव हो रहा था, तो मैं जहां तक मेरी जहां तक सोच है इस तरह के शहर हुबली के माहौल को खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने मेरे खिलाफ माहौल बनाया है ये सख्त खिलाफ है, और मैं पुलिस पर पूरा भरोसा करता हूं, डिपार्टमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है और कानून पर भरोसा है और संविधान पर भी मेरा पूरा भरोसा है। मैं बहुत जल्द हाजिर होकर जो है वहां पर मेरी सफाई दूंगा और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो सच के साथ होगा। आप पूरी वीडियोस में देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा मेरे हवाले से कि मैं कोई हेट स्पीच दे रहा हूं या लोगों को भड़काने के लिए बोल रहा हूं, बल्कि मैं लोगों को रोक रहा हूं वहां पर और उनको खामोश बिठाने का काम कर रहा हूं, और साथ ही साथ उन्हें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएं। लिहाजा मैं शहर हुबली के तमाम आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो वाकया दरपेश हुआ है ये सरासर हमारी तरफ से नहीं बल्कि चंद लोगों की एक साजिश है जो हमें फंसाने के लिए की जा रही है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह मैं बहुत जल्द आना चाह रहा था डिपार्टमेंट के पास, लेकिन जो सोशल मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया, मुझे एक तरह का एक खौफजदा का माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, और मुझे मेरे घर वालों और रिश्तेदारों ने रोका कि अभी आप मत जाएं कहीं आपका कोई नुकसान ना कर दे, तो ये कहा कि आपका जानी माली कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसके लिए फिर मैं रुका रहा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरे रुकने की वजह से मुझ पर इल्जाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द हाजिर होकर उन तमाम इल्जाम का जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं कहीं गुनहगार पाता हूं तो बिल्कुल इन लोगों को हक है कि वो मुझ पर सजा आयद करें। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।